इस वीडियो में आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी। क्या सच में एक लोहार के हाथ का खाना खाने के बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सिद्धार्थ का जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के राजा सुदोधन के घर हुआ था। जन्म के 7 दिन के भीतर ही सिद्धार्थ की माँ का निधन हो गया था। उनका पालन पोषण सुदोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती ने किया। सिद्धार्थ के जन्म के समय ही एक महान साधु ने यह घोषणा कर दी थी कि यह बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक बेहद पवित्र मनुष्य के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर राजा सुदोधन ने अपनी सामर्थ्य की हद तक सिद्धार्थ को दुख से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन छोटी सी आयु में ही सिद्धार्थ जीवन और मृत्यु की सच्चाई को समझ गए। उन्होंने यह जान लिया कि जिस प्रकार मनुष्य का जन्म लेना एक सच्चाई है, उसी प्रकार बुढ़ापा और निधन भी जीवन की भी एक न टलने वाली हकीकत है। संसार की सबसे बड़ी सच्चाई जानने के बाद महात्मा बुद्ध सांसारिक खुशियों और विलासिता भरे जीवन से पूरी तरह विमुख हो गए। राजपाट के साथ पत्नी और पुत्र को छोड़कर उन्होंने एक साधु का जीवन अपना लिया। इसके बाद 2 अन्य ब्राह्मणों के साथ सिद्धार्थ ने अपने भीतर उपज रहे प्रश्नों के हल ढूंढने शुरू किए, लेकिन समुचित ध्यान लगाने और कड़े परिश्रम के बाद भी उन्हें अपने प्रश्नों का हल नहीं मिला। हर बार असफलता हाथ लगने के बाद उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ कठोर तप करने का निर्णय लिया। 6 वर्षों के कठोर तप के बाद भी वह अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर आर्य अष्टांग मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, ढूंढ निकाला। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और निश्चय किया कि अपने प्रश्नों के उत्तर जाने बिना वह यहाँ से उठेंगे नहीं। लगभग 49 दिनों तक ध्यान में रहने के बाद उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई और मात्र 35 वर्ष की उम्र में ही वो सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद महात्मा बुद्ध 2 व्यापारी तपुसा और भलिका से मिले, जो उनके पहले अनुयायी भी बने। वाराणसी के समीप स्थित सारनाथ में उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य के अनुसार 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने यह घोषित कर दिया था कि वह बहुत जल्द ही महापरिनिर्वाण की अवस्था में पहुंच जाएंगे। इस कथन के बाद महात्मा बुद्ध ने एक लोहार के हाथ से आखिरी निवाला खाया। इसके बाद वह बहुत ज्यादा बीमार हो गए। लोहार को लगा कि उसके हाथ से खाने के कारण महात्मा बुद्ध की यह हालत हुई है, इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपने एक अनुयायी को कुंडा नामक लोहार को समझाने भेजा। वैद्य ने भी यह प्रमाणित कर दिया था कि उनका निधन वृद्धावस्था के कारण हुआ है, न कि विषाक्त खाद्य के कारण।